भारत के खिलाफ विदेशी प्रोपोगेंडा की हकीकत अब सामने आने लगी है। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन में किए गए ट्वीट को खालिस्तानी संगठन के प्रोपोगेंडा का हिस्सा माना जा रहा था। अब इसकी हकीकत सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में जो पावर पॉइंट टूलकिट का इस्तेमाल किया था, उसका उद्देश्य भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना था। एक स्वघोषित खालिस्तान समर्थक धालीवाल द्वारा स्थापित पीस फॉर जस्टिस संगठन द्वारा तैयार किया गया था। यह कनाडा के वैंकूवर में स्थित है। बता दें कि एक जांच में पाया गया कि ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट खालिस्तानी संगठन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। गौरतलब है कि ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था। इस ट्वीट के साथ उन्होंने टूलकिट शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक डॉक्यूमेंट भी अटैच किया था, जिसकी अब प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि इसके पीछे कनाडा स्थित खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन का हाथ है। इसमें भारत को निशाना बनाते हुए टास्क बांटे गए थे। टूलकिट में भारत की योग और चाय की छवि को चोट पहुंचाने, 26 जनवरी को वैश्विक व्यवधान के साथ साथ कृषि कानूनों को निरस्त करना लिखा था। आपको बता दें कि थनबर्ग ने पोस्ट तो हटा दिया था, लेकिन इससे पहले भारत में कई लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि थनबर्ग के हटाए गए ट्वीट से भारत के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साजिश के असली डिजाइन का पता चला है। उन दलों की जांच करने की आवश्यकता है जो इस बुरी मशीनरी के तार खींच रहे हैं। सिंह ने कहा कि निर्देशों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था। बताते चले कि एक जांच में खुलासा हुआ है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट खालिस्तानी संगठन के प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्वीट में जो पावर पॉइंट टूलकिट का इस्तेमाल किया था, जिसका उद्देश्य भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना है। पावर पॉइंट में भारत को निशाना बनाते हुए टास्क बांटे गए थे। उल्लेखनीय है कि ग्रेटा ने स्कूल छोड़कर मौसम परिवर्तन की अलख जगाने का काम किया। स्वीडन की रहने वाली ये लड़की जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैला रही है। नवंबर 2018 के स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट के कैंपेन में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और आयोजनों में हिस्सा लेने लगी। थनबर्ग ने कार्बन उत्सर्जन घटाने की पहल सबसे पहले अपने घर से की। इसके तहत उन्होंने अपने माता पिता को कम से कम हवाई यात्राएं करने और मांस ना खाने की अपील की। इससे ग्रीन हाउसों का उत्सर्जन कम होता है। ग्रेटा का जन्म स्वीडन में जनवरी 2003 को हुआ था। उनकी मां ओपेरा गायिका और पिता अभिनेता हैं। ग्रेटा को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अमेरिका में जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए एक दिन के सम्मेलन को भी ग्रेटा ने संबोधित किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से इनकार कर दिया था। ग्रेटा ने कहा था कि यह समय की बर्बादी होगी। यहां बताते चले कि किसान आंदोलन को लेकर जहां ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था, वही मशहूर सिंगर रिहाना ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। हालांकि उनके इस ट्वीट के जवाब में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने जमकर हमला बोला था। कंगना ने कहा था कि इस बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यह किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं ताकि चीन जैसे देश हमारे राष्ट्र पर कब्जा जमा ले और यूएस जैसी चाइनीज कॉलोनी बना ले। तुम शांत बैठो बेवकूफ, हम लोग तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं है जो अपने देश को बेच दे। रिहाना के ट्वीट के बाद जहां कंगना रनौत ने उन्हें जवाब दिया, वहीं कई बॉलीवुड स्टार और क्रिकेटर्स जिनमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी विदेशी को दखल नहीं देना चाहिए और भारत अपनी समस्याएं खुद निपटाने में सक्षम है। वहीं रिहाना के बाद पोर्न स्टार मिया खलीफा ने भी किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कौन सा मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने नई दिल्ली के आसपास इंटरनेट काट दिया। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि पेड एक्टर, अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर का कहना है। मुझे उम्मीद है कि अवार्ड सीजन के दौरान उनकी अनदेखी नहीं की जाएगी।
मैं किसानों के साथ हूं। इनके अलावा यूट्यूब स्टार लिली सिंह, हॉलीवुड एक्टर जॉन कुसेक ने भी भारतीय किसानों के संघर्ष का समर्थन किया है, जबकि कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी किसानों के आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं, जिनमें अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, धर्मेंद्र, गुलपनाग, ऋचा चड्ढा, सौरभ कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दिलजीत दोसांझ और सोनू सूद जैसे सितारे शामिल हैं। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।